सब्सक्राइब कीजिए माई स्मार्ट टेक को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ऑडियो से नॉइस को रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप YouTube पर वीडियोस बनाते हैं या फिर और आप ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हैं तो दोस्तों उसका कोई फायदा नहीं है जब तक जो आपकी ऑडियो है वो एक अच्छी क्वालिटी की नहीं है। क्योंकि अगर आपका वीडियो HD में भी है लेकिन आपकी ऑडियो क्वालिटी बेकार है, पुअर है, उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस है, तो फिर वो आपका वीडियो बेकार हो जाता है। तो ऑडियो जो है बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसमें बिल्कुल भी नॉइस आपका नहीं होना चाहिए। तो इसी बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ्री में अपने जो ऑडियो है उससे नॉइस रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों जो लोग नहीं जानते हैं नॉइस क्या होता है, मैं उनको बता दूं, नॉइस वो होता है जब आप कोई ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें बहुत सारी सरसराहट की आवाज़ आती है। जैसे आपके रूम में पंखा चल रहा होता है तो उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है, या फिर बाहर से कोई बोल रहा होता है उसकी अनवांटेड जो आवाज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके अलावा जो है किसी की आवाज़ उसमें सुनाई दे, तो आप उसको जो है हटा सकते हैं अपने वीडियो से। इसी बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर और आप देख रहे हैं माई स्मार्ट टैग। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको एक जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है ऑडासिटी। आप गूगल में जाइएगा ब्राउजर में और गूगल ओपन करके उसमें लिखिएगा ऑडासिटी। जब आप ऑडासिटी सर्च करेंगे तो ऑडासिटी की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। ऑडासिटी की वेबसाइट को ओपन करना है और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है और बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है। ओके, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें इसमें मिलता है। अब जो हमें ऑडियो है जिसमें से हमें नॉइस को हटाना है, उसको सबसे पहले हमें इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हैं या फिर आप फाइल में जाइए, ओपन में जाइए और जहाँ पे आपकी ऑडियो की फाइल है, जैसे मैंने ये एन नाम से है तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखिए आप ओपन हो चुकी है, अब ये फाइल ओपन हो गई है। एक बार मैं आपको प्ले करके सुना देता हूँ ये कैसी बज रही है, कैसी इसकी जो है सुनाई दे रही है आवाज़। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये आप देख रहे हैं ग्राफ वेव फॉर्म में, इस तरीके से कुछ आपकी ऑडियो का ग्राफ बनता है। जहाँ पर ये ग्राफ नहीं है इसका मतलब है यहाँ पे कि मैं चुप हूँ। ओके, और जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इसीलिए यहाँ पर ग्राफ है, और यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये नॉइस का ग्राफ है, यहाँ पर नॉइस काफ़ी ज़्यादा था। ओके, तो आपको दोस्तों बेस्ट टिप आपके लिए ये है कि जब भी आप कोई ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस टाइम पर आप 10-15 सेकेंड के लिए चुप रहिए। 10-15 सेकंड जब आप चुप रहेंगे तो जितना भी नॉइस आपके रूम में है वो सारा जो है 10-15 सेकंड में कवर हो जाएगा। उसके बाद आप बोलना शुरू कीजिए तो उसको फिर रिमूव करने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है सॉफ्टवेयर को, क्योंकि वो डिटेक्ट कर लेता है कि नॉइस क्या है और आपकी एक्चुअल वॉइस अलग है। ओके, तो अब इसने डिटेक्ट कर लिया है मैं शुरू में चुप था 10 सेकेंड के लिए, तो आप देखिए ये नॉइस हमारा आ चुका है। तो दोस्तों इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले मैं आपको एक बार सुना देता हूँ ये कैसा जो है सुनाई दे रहा है। प्लेबैक क्लिक कर देता हूँ, तो आपने देखना कितनी सरसराहट की आवाज आ रही है और उसके बाद मेरा वीडियो शुरू हो रहा है। तो इस तरीके का कुछ ये वीडियो है, इसमें आप देखिए कितनी सरसराहट की आवाज थी स्टार्टिंग में। अब इसको हटाएं कैसे, इसको हटाने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा नॉइस रिडक्शन का, नॉइस रिडक्शन पर क्लिक करना है। नॉइस रिडक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको गेट नॉइस प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। गेट नॉइस प्रोफाइल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका जो प्रोफाइल है उसको डिटेक्ट कर लेगा। अब आपको कंट्रोल ए करना है क्योंकि हमें पूरे ऑडियो में से हटाना है ना नॉइस, कंट्रोल ए कर लेना है। अब हम इसको रिमूव कर देंगे, तो इफेक्ट में जाना है, नॉइस रिडक्शन में जाना है, अब ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, नॉइज़ रिडक्शन, सेंसिटिविटी और फ्रीक्वेंसी स्मूथिंग, ये आप नहीं जानते हैं तो इसको मत छेड़िए, सिर्फ आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो ये आप देखेंगे यहाँ से जो ग्राफ है वो काफ़ी हल्का हो गया है। आप देखेंगे कि नॉइज़ हमारा काफ़ी कम हो गया है, और जितना ये बचा है इसको भी हम हटा सकते हैं। दोबारा से नॉइज़ रिडक्शन में जाएंगे, गेट नॉइज़ प्रोफाइल करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, फिर से नॉइज़ रिडक्शन में जाएंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए आप हमारी जो लाइन है कितनी पतली हो गई। अब देखा दोस्तों आपने कितनी जो हमारा यहाँ पे ग्राफ था कितना बड़ा था और अब कितना छोटा हो चुका है, बिल्कुल भी हट चुका है। इस तरीके से आप पूरा जो नॉइज जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ से हटा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे बढ़िया टिप यही है कि आप 10-15 सेकेंड के लिए चुप रहना होगा आपको। 10-15 सेकेंड चुप रहिए, नॉइस को रिकॉर्ड कीजिए, उसके बाद बोलना शुरू कीजिए,
और उसके बाद जब आप सॉफ्टवेयर में डालिए तो 10-15 सेकंड उतना नॉइस सेलेक्ट करके पूरे ऑडियो में से हटा दीजिए। यही एक तरीका है नॉइस को हटाने का। अब जब नॉइस आपका हट जाएगा उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको फिर से फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट ऑडियो पर क्लिक कीजिए। एक्सपोर्ट ऑडियो में क्लिक करने के बाद आप इसको किसी भी नाम से सेव कर लीजिए। मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। बस ये अब हमारी सेव हो चुकी है। बस इतना सा काम है आपका, ये 1 सेकंड का काम होता है और बस आपका जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा नॉइस को रिमूव करने में ऑडियो से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और हाँ, अगर आपने अभी तक अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रेड कलर का बटन, इसको प्रेस कर देंगे तो जो हमारे आने वाले वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं रोजाना आप लोगों के लिए ऐसे ही टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और दुआ में याद रखना।